वो हम वीवीए में बात करेंगे कि एक्सेल फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, एक्सेल का फॉर्मूला एक्सेल तरीके से, ऐसा नहीं कि वीवीए के तरीके से कैसे लगाए। वैसे मान लीजिए मुझे A1 से लेके A8 का टोटल यहां पे लगाना है, राइट? तो वो टोटल कैसे लगेगा? अब यहां पे इंसर्ट करके मॉड्यूल्स पे आते हैं, और मैं इसको डबल स्क्रीन कर देता हूं ताकि दोनों चीज आपको दिखेगा। यहां पे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मान लीजिए यहां पे टोटल सम का फॉर्मूला लगाना। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल, यहां लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। एक्सेल फॉर्मूला अगर वीवी में लगाते हैं तो वर्कशीट कुछ फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं और कुछ फॉर्मूले को वर्कशीट से लेके आना होता है, ठीक है सर? यहां पे मैंने दे दिया कि रेंज A1 से लेके A8 तक। अब इसका सम कैलकुलेट करके किसको दे देगा, S को दे देगा। देन यहां लिख देंगे रेंज A9 डॉट वैल्यू इक्वल टू S। अब इसको एक बार रन कीजिए, रन करते देखेंगे यहां पे टोटल। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने यहां एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन जो आपको दिख रहा है ये हमने कैलकुलेट करके टोटल यहां पे डाल दिया। अब दूसरा तरीका है कि हम एक्सेल फॉर्मूला सम जो है डायरेक्ट यही A9 में डाल दें। यहां पे मैंने लिखा यहां यहां लिखा यहां हमने क्या किया, दूसरा तरीका ये है कि मैं लिखा रेंज A9 A9 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला जो लिखना लिख ले, मैं लास्ट टाइम बताया था, और यहां पे मैंने कर दिया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, इसको सिलेक्ट नहीं करना, लिखना पड़ेगा सर, A1 से लेके A8, ठीक है, A1 से लेके A8। अब इसको रन कीजिए, आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक्सेल की फॉर्मूला थी उस फॉर्मूला को मैंने यहां पे लगाया, बात समझे? और ए मेथड क्या था कि ए मेथड क्या करता था, अगर इसको रन करे तो वो क्या करता था, सेम फॉर्मूला बीवीए के अंदर में लगा के वैल्यू कैलकुलेट करके रिजल्ट यहां डालता था। समझ में आया कि इसने सम का फॉर्मूला लगा लिया, लगा के वैल्यू रिजल्ट कैलकुलेट करके एक स्टोर पे रख दिया, एक इस पे रख दिया, एक वेरिएबल पर रख दिया, और फिर उसको रेंज के ऊपर स्टोर कर दिया। अब दोनों में फायदा देखिए, अब जैसे कि ए हुआ कि इससे सामने वाले बंदे को पता नहीं चला कि आपने फॉर्मूला क्या लगाया पहले, लेकिन बेनिफिट इसमें क्या है कि सामने बंदा देख के बता रहा है कि हाँ इसमें सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट या नुकसान क्या है? अब इसमें क्या है कि अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, बट इसको अपडेट करने के लिए अगेन मुझे इस कोड को रन करना पड़ेगा, जाके अपडेट होगा। तो दोनों के बेनिफिट भी है तो दोनों के नुकसान भी है। सबको समझ में आ गया कि एक्सेल की फॉर्मूले आप कैसे लगाएंगे थ्रू वीवीए?
दोनों मेथड मैंने बताया, किसी को कंफ्यूजन? सर आपने बताया था कि एक्सेल जो फॉर्मूला ये भी नहीं लगते हैं, इसीलिए वो एप्लीकेशन और वर्कशीट फंक्शन पर आना पड़ता है, ठीक है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला हाँ तो ये नहीं लगता? वीवीएस से पूछ लीजिए ना, जैसे अब मैं लगाया लेन का फॉर्मूला, जैसे ब्रैकेट में किया वीवीए बता दिया लगेगा लगेगा लगेगा। और जैसे आपने लगाया कुछ फॉर्मूला, से मैं लगाता हूँ वी लुकअप का, वी लुकअप फॉर्मूला ना नहीं बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, चुप है बेचारा। नहीं ठीक है, और कुछ? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कैलकुलेशन चाहे जो मोड करे, हम अभी फिलहाल इसी मेथड को लेकर चलेंगे, इस मेथड को फिलहाल होल्ड कर देंगे, ठीक है। इस मेथड को लेकर चलेंगे तो प्रॉब्लम होती है डायनेमिक रेंज, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स लिया और यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स डालते हैं, अब मुझे सारे नंबर्स को 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ INC में लिखना है, एक ऐसे मैक्रो बनाना है कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 20 करके अब पूरे तो नीचे सबको कर दे, एक को ना करे सबको कर। अब ये जो है यही आपका आज का टॉपिक रहेगा, साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट FUN_1 function1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा रेंज, रेंज में हमने बोला कि B2 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लगाया कि A2 मल्टी इक्वल के साथ इक्वल A2 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो ये क्या करेगा, A2 पे मल्टीप्लाई बाय 20 का फॉर्मूला लगा देगा। अब मुझे इस फॉर्मूले को नीचे लेके आना है, दो तरीके हैं इसके भी है। एक पहला है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूं यहाँ पे कि रेंज B2 डॉट कॉपी, ठीक है। फिर मैं आऊं रेंज A1 डॉट एंड एक्सेलस डाउन डॉट ऑफसेट 1, 1 0, 0, 1 0, 1 डॉट सेलेक्ट। अब ये कोड क्या कर रहा है मुझे बताइएगा, योगेश साहू जी मुझे बताइए कि कोड कर क्या रहा है, कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ योगेश साहू जी बोलेंगे। साहू जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अपना माइक ठीक करिए, जय लिए। सुदर्शन जी आपको समझ में आ रहा है कोड क्या कर रहा है? क्लास में एक्टिव नहीं है आप लोग। चले गांधी जी आप बताइए। गलत का है, गलत का है। कहा तो हमने कहा बोला है कि A11 तक जाके सेलेक्ट करने के लिए? हाँ तो मैंने क्या एक्चुअली यहाँ पे एक कर्सर रखा, यहां से कंट्रोल डाउन किया, तो कर्सर कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में। अब ऑफसेट क्या कर रहा है, ऑफसेट कर रहा है कि जहां डाउन पे कर्सर आया ना, जस्ट उसी के अगले, उसी के जीरो अगले सेल में, उसी के अगले सेल में अगले कॉलम, 0 रो है 1 कॉलम, यहां पहुंच गया, ठीक है। समझे सर, यहां पे कर्सर आ गया, जी
अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो कर्सर है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हुए ऊपर जाना है और एक कर्सर नीचे आना, समझे। तो मैंने यहां लिखा रेंज एक्टिव सेल, तो हमें नहीं पता है कर्सर कहां जाएगा, लेकिन वहीं पे एक्टिव है क्योंकि पहले वाला कोड क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो एक्टिव सेल से स्टार्ट करें और एक्टिव सेल डॉट एंड कहां एक्सेलस अप डॉट सेलेक्ट। अब ये कोड क्या करेगा देखिए, ये कोड ये पूरे को सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, पूरे को। देखिए पूरे को सिलेक्ट कर लिया, समझे। लेकिन मुझे ये कॉपी वाला सिस्टम है ना उसको नहीं सिलेक्ट करना था ना, जिसको हम कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं, हालांकि उसी कॉपी करके उसी में पेस्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहीं पे कोई सिलेक्शन है इसी पेस्ट कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन मुझे 1700 जो है उसको कॉपी नहीं करना है। -1 नहीं, जी हाँ सही बोला आपने, -1 नहीं होगा, यहां पे ऑफसेट लगेगा और यहां पे हम बोल देंगे 1,0, मतलब एक रो और एक कॉलन, समझे। तो क्या होगा यहां देखिए, एक्टिव सेल से शुरू करेगा और यहां से ये जो है इसके ये तो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, क्योंकि हमने बताया था लास्ट टाइम में कि सिलेक्शन में एक स्टार्टिंग होता है एक एंडिंग होता है। एक्टिव सेल स्टार्टिंग हो गया, एंड के लिए उसने जैसे ऊपर कोड चलाया ना ये वाला कोड, ऐसे ही उसने एक्टिव सेल से चलाया कि एक्सेलस अप जाओ ऑफसेट से एक रो नीचे आओ, क्या एक रो नीचे आओ। तो इससे क्या होगा कि आपका उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा, हुआ ना। अब मैं यहां पे क्या करेंगे, दो चीजें कर सकते हैं कि एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, ये एक्टिव सीट डॉट पेस्ट कर देगा, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं सर, पेस्ट स्पेशल, कि यहां जो हमने नॉर्मली सिलेक्ट किया ना, हम सिलेक्ट ना करके यहीं पे पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। पेस्ट स्पेशल में आप होम पेज से जो फॉर्मूला करना चाहते हैं स्पेस डाल के पेस्ट जो फॉर्मूला सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि कल के रेट में डेटा चाहे जितना ज्यादा हो चले, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को, संदीप जी, कोई कंफ्यूजन, सुंदरसन जी। नो सर अब जैसे कि बताया कि इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, तो चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करने के लिए दूसरा तरीका क्या अपनाते हो, जैसे मैंने फॉर्मूला ले लिया, एक तो कॉपी पेस्ट है आपका, दूसरा क्या होता है इसको यहां से नीचे तक लाने के लिए, ड्रॉ उसके अलावा। तो वो तो माउस इवेंट हो गया ना, माउस इवेंट थोड़ी कर सकते हैं आप, कंट्रोल डी जी हाँ कंट्रोल डी। क्या करेंगे उसको बोलते हैं फिल डाउन, यहाँ होम मेनू के अंदर आपको सेल्स के सेल्स वाले सेल्स नहीं, यहाँ पे रेटिंग रेटिंग वाले सेल्स के अंदर में फिल होता है, फिल में फिल डाउन या फिल राइट, मिल रहा है आपको सर, या फिल अप फिल लेफ्ट, इसका यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए, इसके लिए एक अलग मैक्रो हम बनाते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट एफ यू एन फंक्शन टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसमें ए चीज तो जो है वो रहेगा कि रेंज ए पे जाके उसे डाल दे वैल्यू, ए टू बी टू पे, चलिए हम कॉपी नहीं करेंगे लेकिन सिलेक्शन तो करेंगे ये वाली,
सिलेक्शन हो गए, और ये जो एक्टिव सेल वाला पार्ट है ये भी लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब यहां पे लिखेंगे हम कि रेंज, हमने बोला कि एक्टिव सेल से शुरू करें और एक यहां पे एक्टिव सेल, एक्टिव होना एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस ऑफ, ठीक है, और इसमें हम कर देंगे फिल डाउन, इसमें ऑफसेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर आप यहां तक करेंगे तो फिल डाउन वर्क नहीं करेगा, फिल डाउन में वो होना चाहिए जिसको आप नीचे फिल करना चाहते हैं। इसलिए यहां ये जो हमने ऑफसेट करके माइनस वन किया था वो सिस्टम यहां नहीं चलेगा, ठीक है। ओके तो बताइए पेस्ट स्पेशल करने में और फिल आउट करने में क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, सुदर्शन जी मुझे समझाएंगे। नुकसान तो निकल रहा है, फायदा फायदा मुझे दिख रहा है। क्या फायदा है, यानी कि फिल डाउन करने में क्या फायदा है? बस एक पेस्ट स्पेशल मतलब दो तीन कैरेक्टर कम लिखने पड़ते हैं, है ना संदीप जी? सुदर्शन जी मुझे लग रहा है कभी आप हमारे बेटे से मिले हो, वो भी सीरियल नंबर को नंबर लिखने की जगह पे एन ओ लिख के डॉट डाल देता है, नंबर को आगे में लिखते हो तो बचता है टाइम, बचता है। चलिए संदीप जी आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं सर। किसी को भी आइडिया, कोई है इसके बारे आइडिया तो बोल सकता है। देखिए पेस्ट फिल डाउन में क्या हुआ कि जो डेटा है उसको लेके नीचे सेल, जो भी सेल की प्रॉपर्टी है उसको नीचे लेके आ गया। फिल डाउन मैनुअल करने में फायदा है, अपना क्या बोलते हैं कीबोर्ड से करने में फायदा है, समझ गए? पेस्ट स्पेशल में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप सिर्फ कॉपी वैल्यू पेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हो, या सिर्फ कमेंट पेस्ट करना चाहते हो, लॉट ऑफ आपके पास फीचर्स मिल जाते हैं, फिल डाउन में नहीं मिलते हैं। समझ में आया? ये बेनिफिट और ये नुकसान है। फिल डाउन क्या हुआ कि पूरी वैल्यू और पूरी उसकी प्रॉपर्टी दोनों लेके नीचे ऊपर से नीचे आता आएगा जो भी होगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल यू हैव द चॉइस कि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, समझ गए, जैसे फॉर्मूला चाहिए। चलिए अब चलिए हम कुछ और फॉर्मूले लगा के देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां पे पास और फेल वाला सिस्टम करता हूं, मेरे पास क्या है मार्क्स है, मार्क्स, और मुझे यहां पे चाहिए रिजल्ट, और मेरा का नाम है कि जो ग्रेटर देन 50 है वो है पास और लेस देन 50 वो है फेल, समझ गए? तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सब फंक्शन थ्री, अंडरस्कोर क्यों लगाया मैं, क्योंकि तीन अल्फाबेट और एक करेक्टर के नाम नहीं देना है, कभी भी वो रेंज होता है। अब इसको अगर आपको फॉर्मूले लगाने में दिक्कत है तो आप एक्सेल पहले लगा लें कि ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन पास अदरवाइज फेल, ठीक है, पास और फेल।
इस फॉर्मूले को वीवीए में डालना है आपको। कैसे डालिएगा? यहां लिखिएगा कि रेंज बी टू डॉट वैल्यू। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आया, जैसे ही पेस्ट किया मैंने इनवर्टर कमा के अंदर पेस्ट करेंगे, इनवर्टर कमा पेस्ट करने के बाद अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे फॉर्मूले के अंदर कोड के अंदर भी इनवर्टर कमा है, जो कि सेम टू सेम मुझे बाहर टाइप करवाने। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक्सेल समझेगा, जो आपका बीवीए कोडिंग है वो समझेगा कि यहां से इनवर्टर कमा स्टार्ट हुआ और यहां क्लोज हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां क्लोज हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां क्लोज हो गया, इसके बीच में कोई है ही नहीं, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, यहां पे कोई सेपरेटर नहीं है और देगा एरर। दिया? तो जब आपको फॉर्मूले के थ्रू बाहर अगर इन्वर्टर कोमा प्रिंट करना है तो आप उस इन्वर्टर कोमा को डबल इन्वर्टर कोमा में डालिएगा। डबल इन्वर्टर कोमा डालने से सिस्टम समझ जाएगा कि ए इन्वर्टर कोमा पेस्ट करना है बाहर जैसा है वैसा। समझ गए कि अगर आप किसी सेल के ऊपर कुछ ऐसा टाइप करना चाहते हैं लेकिन टाइप जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी इन्वर्टेड कॉमा है, अब जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उस समय आप उस इन्वर्टेड कॉमा को डबल टाइम आप टाइप लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप इसको रन कीजिए आ जाए, बाकी चीजें वही होगा। आप कॉपी पेस्ट वाला मेथड ले लें या फिल डाउन वाली मेथड ले लें। ठीक है, आ गया सर हमें? अब चलिए एक थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला, एक काम करते हैं कि मैं एक बार बी लुकअप का फॉर्मूला लगा दू। ठीक है, कि डेटा यहां पे हम 1 2 यहां पे आईडी कर देते हैं कि आईडी हो गया, यहां पे नेम हो गया, यहां पे सिटी हो गया और मुझे यहां पे अमाउंट चाहिए। ठीक है, 1 2 ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं, छोटा ही करता हूं। ठीक है, और यहां मुझे क्या करना है, पूजा लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, और यहां पे सिटी पुणे और यहाँ पे इसको ब्रैक किया और यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब मुझे वी लुकअप लगा के यहाँ दूसरे शीट पे चाहिए। दूसरे शीट पे हमने कुछ आईडी दे रखे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आईडी रखा है, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाने सारे। अगर मैं वी लुकअप लगाता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, कॉमा डेटा में गया, डेटा को सेलेक्ट किया और यहां पे कॉमा 2 कॉमा 0 किया। अब यही चीज मुझे करनी है किससे, फॉर्मूले से, एक्सेल कोड से। तो उल्टा कर दिया, तो अभी मैं आपको एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करना सिखा रहा हूं, एक्सेल के फॉर्मूले वीवीए में लगाना नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है ना, वो तो वो टॉपिक अलग है, उसको सीखना है तो आपको बाकी कोडिंग वगैरह सीखना पड़ेगा। अब यहां पे हम देते हैं सबसे पहले रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने वी लुकअप का फॉर्मूला डाल दिया। इसी तरह से मुझे C2 में भी चाहिए, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिए, कॉपी किया पेस्ट किया, मुझे C2 में चाहिए C2 और एक कॉलम नंबर 2 के जगह पे 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपका D2 हो जाएगा और D2 में 3 के जगह पे 4 हो जाएगा। और इसको एक बार रन कीजिए, एक नाम के ये ऑलरेडी बना हुआ है ना, 4 देना। आ गया सर? अब मुझे इसको नीचे तक करना है इस तरह से। कैसे करेंगे, थोड़ा सा 3 कॉलन है ना सर,
तो सबसे पहले जाएंगे रेंज, रेंज में आएंगे ए वन या ए 65,000 भी दे सकते हैं हम उसको, ठीक है, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ये मैं बराबर करता हूँ। एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1, यहाँ पे 0,0,1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं लिखूंगा रेंज, मेरा जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस अप, बट डॉट ऑफसेट 0,1,2, तो 2 पर और एक रो, नहीं 2 कॉलम सही रहेगा, 2 कॉलम डॉट सेलेक्ट, यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। ये क्या करेगा, ये देखिए, ये एक ज्यादा चला गया, ये हमें 2 नहीं कॉलन चला गया, 0,1,2, 3 कर दिया ना, 2 करना चाहिए था, क्योंकि ये 0 ही चलता है ना, माइक्रो ये आपका ऑप्शन 0 ही चलता है, सिलेक्शन हो गया। अब इसमें हमें करना है सिलेक्शन डॉट फिल डाउन, क्या करना है, फिल डाउन हो गया। हाँ तो समझ में आ गया सबको, लेके देखिए कोड को, पहले क्या हुआ कि इसने सब पे फॉर्मूला डाल दिया, फिर इसने लास्ट लास्ट ए बी कॉलम के लास्ट रो पे चला गया, फिर लास्ट रो से ऊपर की तरफ गया, और इस बार इसने क्या किया कि नीचे तक आ गया, मतलब कि वो कॉलन बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या होता था ऑफसेट में, यहाँ ऑफसेट में क्या हुआ था कि हमने क्या किए थे, रो नीचे किए थे, हमने कॉलम बढ़ा दी, तो उसने क्या किया कि एक कर्सर इसने यहां रखा और शिफ्ट के साथ एक कर्सर यहां डाल दिया, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इसको एंडिंग पॉइंट अगर देखें तो एंडिंग पॉइंट क्या दिया है, ये जो कोड आपका है अगर इसको अलग रन कीजिएगा तो वो इसकी एंड कर्सर यहां पर जाएगी, मतलब यहां से ऊपर, ऊपर से 0,1,2 यहां पर, समझे। तो एंड क्या किया, यहां से ऊपर कर दिया एक्सेलेस अप, एंड एक्सेलेस अप ऑफसेट क्या किया, इस कर्सर को उठा के 2 रो, मतलब कि 0,1,2, 2 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम, और आगे बढ़, और माइनस में होता नंबर तो पीछे आ। कभी मान लीजिए आपको यहां से चल के और यहां आना हो तो आप माइनस करेंगे, कॉलम रो माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस में लिखेंगे। सबको समझ में आ गया, टाइम सर। टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो आप लोग मुझे, आप लोगों को एक्सेल के फॉर्मूले तो आते होंगे, तो आप लोग क्या करें, मुझे 10-10 एक्सेल फॉर्मूला एक छोटा सा डेटा सेट पे लगा के आप, और आशा होगा कि 3-4 फॉर्मूले आपका बेसिक टाइप के होने चाहिए और बाकी फॉर्मूले समी वीलुकअप जैसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे फॉर्मूला के लिए वीवी कोडिंग थोड़े करेंगे आप, ठीक है सर।